कोटि प्रणाम करता हूं और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक अनेक लोगों ने जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी मां की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने हम सब के बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों की ऋणी रहेगी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए विभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं, कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है। जब जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया था, लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे, हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे, वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे, एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सब उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कालखंड में पृथक राज्य का निर्माण किया और यह पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एक और एम्स का निर्माण हो रहा है, हमारे आदरणीय भट्टी यहाँ पर बैठे, इन्होंने भी बहुत प्रयास उसके लिए किया।
हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते हैं। यहाँ हमको दूसरा एम्स मिला, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा ये किच्छा में बनने जा रहा है, बन रहा है। इसके साथ साथ अभी चार दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की 1200 एकड़ जमीन में यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है। और स्वीकृत जरूर किच्छा में हुआ है, शिव अरोड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर इस पार्क के निर्माण के बाद 75,000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है, और इससे बड़ी बात 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसमें औद्योगिक